देगरास तहसील के तूपटाकली ग्राम पंचायत समिति के सरपंच और सचिव की कार्यपद्धति के खिलाफ जिला परिषद यवतमाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और देगरास पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी के नाम तूपटाकली के उप सरपंच ने ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। मंगलवार को तूपटाकली ग्राम पंचायत के उप सरपंच राधेश्याम परसराम ठाकरे ने यह ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में सन 2021 से अब तक केवल दो बार ग्राम सभा लेने और किसी को भी विश्वास में लिए बगैर 15वें वित्त आयोग के कामों का मनमानी तरीके से निपटारा किए जाने की शिकायत दर्ज है। इस ज्ञापन के तहत शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार साल भर में दो ग्राम सभा लेना अनिवार्य होते हुए तूपटाकली में दो सालों में मात्र दो ग्राम सभा ली गई। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की निधि और विकास कामों का निपटारा अंधाधुंध तरीके से किया गया है। इसके लिए किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य अथवा पदाधिकारी और ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया गया। नमस्कार, मैं राधेश्याम परसराम ठाकरे, उप सरपंच ग्राम पंचायत तूपटाकली। ग्राम पंचायत मध्ये चाललेल्या अनागुंदी कारभारात आतापर्यंत 2021 पासून फक्त दोन ग्रामसभा घेण्यात आल्या आणि 15 वित्त आयोगातून 25 लाखापर्यंत निधी खर्च करण्यात आला आणि याची माहिती कोणत्याही सदस्याला आणि ग्रामपंचायतला नाही। ती परस्पर सचिव आणि सरपंचांनी दोघांनी संगनमताने खर्च करण्यात आला। करिता गटविकास अधिकारी यांना तक्रार देण्यात आली, चौकशीची मागणी करण्यात आली। राधेश्याम परसराम ठाकरे जो तूपटाकली ग्राम पंचायत के उप सरपंच है, उन्होंने सरपंच राहुल सदाशिव सोरते और सचिव एएम उम्बरकर ने ग्राम सभा अथवा मासिक सभा में किसी तरह की कोई चर्चा का आयोजन नहीं करने और किसी भी सभा में विभिन्न कामों की मंजूरी नहीं लेने के साथ ही किसी भी विकास कामों की सर्वसम्मति से ठहराव नहीं लेने का आरोप लगाया है। मनमाने तरीके से 15वें वित्त आयोग की निधि को खर्च किए जाने की आशंका भी इस ज्ञापन में व्यक्त की गई है। 15वें वित्त आयोग का जमा और खर्च ब्यौरे का रजिस्टर देखने पर पता चला है कि जिन लोगों का ग्राम पंचायत से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, जिन्होंने ग्राम पंचायत का एक काम तक नहीं किया, उन लोगों के नाम से चेक धनादेश जारी किए जाने के आशय का आरोप भी इस ज्ञापन में किया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले की गहराई से जाँच कर संबंधितों के जाँच की मांग उप सरपंच राधेश्याम ठाकरे ने उठाई है। इनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।